दोस्तों नमस्कार, आज हम सब मौजूद हैं गोपालगंज में और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं गोपालगंज के एक ऐसे सुपरस्टार कहे जाने वाले व्यक्ति से जो एक ज़माने में अपने आप में एक स्टार हुआ करते थे, अपने आप में एक अलग पहचान हुआ करते थे और भोजपुरी के जाने माने हस्ती हुआ करते थे, और आज किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालत है उनकी और किस तरह से फिल्मी और गीतों का सफ़र उनका चल रहा है। जी हाँ, वो कोई और शख्स नहीं है, उनका नाम है राधे श्याम रसिया और मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ उनसे और करते हैं उनसे खास बातचीत उनके आज के दौर के बारे में। राधे श्याम रसिया जी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ तमाम भोजपुरिया यूपी बिहार जो भी है, जो भी मेरा भाषा अगर जानता हो, वो दुबई हो या मॉरिशस हो, मैंने जो भी हो, लेकिन सबको मैं चरण छू के प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें और जिस तरह आशीर्वाद दिए हैं उसी तरह फिर राधे श्याम रसिया को इसी तरह बना के रखिए कि राधे श्याम रसिया कहीं भटके नहीं। व्यास जी, आपने गाने भी गाए हैं, एक समय था कि आपका गाना बहुत हिट हुआ करता था और आज के दौर में आपके पास कई सारी फिल्मी ऑफर भी आए हैं, आपने फिल्में की भी हैं, लेकिन आज के डेट में आप कोई फिल्म कर रहे हैं अभी? जी देखिए, ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के चलते मैंने पिक्चर, दो पिक्चर हाफ हाफ करके मैं छोड़ दिया। एक पिक्चर का नाम है आचरा के छांव में और एक पिक्चर है सिन्होरा, एक पिक्चर है कसम ब तोहरा प्यार के। जो मेरा कसम ब तोहरा प्यार के, ये 2020 ख़त्म, मेरा फिल्म रिलीज। इस फिल्म में आप कौन सा सीन कर रहे हैं, किस तरह का कैरेक्टर है? मेन आप हीरो हैं? जी, लेकिन इस फिल्म में यही कहानी है कि हर जगह से मैं पिटा रहा हूँ। मतलब पूरी फिल्म में आप पिटा रहे हैं? जी, क्या इस फिल्म को इस तरह बनाया गया है, वो जो हिंदी एक पिक्चर था जो ढेला मारता है, सब लाठी मारता है, लैला मजनू, हाँ। उसी फिल्म को काट करके इस फिल्म को बनाया गया है। मैं साफ कपड़ा भी नहीं पहन रहा हूँ, अच्छा, पुरान पहन रहा हूँ, यही कहानी। अभी राधे श्याम जी, आप पर एक इल्जाम है, लोग कहते हैं और बाकी लोगों का भी कहना है कि आप वल्गर और अश्लील गीत गाते हैं और आप लोगों ने, आपने और गुड्डू रंगीला ने मिलकर गोपालगंज और सिवान से अश्लील गीतों को बढ़ावा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज के डेट में आज तक कोई नहीं कह सकता, अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं वल्गर गीत गाता हूँ या गुड्डू रंगीला गाते हैं, कम से कम उसको समझिए। आज के डेट में मेरा एक गाना बजता है कि कड़िया कपड़ा कबो झंडा ना होला, महावीर जी के झंडा ना होला, आ कबो चीत कबो पट। राधे श्याम रसिया का ऑर्केस्ट्रा में गाना ना बजे तो ऑर्केस्ट्रा शुद्ध नहीं होता है। मैंने पहले ही समझा दिया हूँ कि करिया कपड़ा का हनुमान जी का झंडा नहीं हो सकता है। आप नहीं समझे हैं तो मैं क्या समझा सकता हूँ। आप अपने गानों में से कोई अपना ऐसा गाना सुनाएंगे जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ हो? हिट तो मेरा गाना बहुत है। आपका पसंदीदा कौन सा गाना है जो हिट भी हुआ हो और आपका पसंदीदा भी हो? देखिए, पसंदीदा मेरा दो गीत है, मैं सुना दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही लाइन सुनाऊंगा। सुनाइए। एक भक्त जा कर के कह रहा है अपने माता के पास, कह रहा है कैसे चढ़ाई का हम चढ़ाई का तोहरा के चढ़ाई हो। एक भक्त कह रहा है कि का चढ़ाऊंगा, आ दूधवा चढ़ाई आ कैसे चढ़ाई बछड़ा दिहलस जूठी याई हो, आ फूलवा चढ़ाई आ कैसे चढ़ाई भावरा दिहलस जूठी याई हो। ये तो हो गया राधे श्याम जी देवी गीत, लेकिन वैसे गाने जो हिट हुए हो जिनको लोग अश्लील बोलते हैं, द्विअर्थी गाना बोलते हैं, उनमें से कोई गाना बताएंगे दर्शकों को? जरूर बताएंगे, द्विअर्थी गाना तो बताएंगे, इतना बढ़िया बढ़िया गाना बता देंगे लोगों का हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल, अभी राधे श्याम जी आज के डेट में आप देख रहे हैं कि डिजिटल जमाना है, एक समय था कि सिर्फ कैसेट से ही लोग हिट होते थे,
तो वो ज़माना काफ़ी मुश्किल रहता था हिट होने के लिए। उस ज़माने में आप हिट हुए, आज के डेट में नए लड़के तो डिजिटल ज़माने में यूट्यूब पे हिट हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग पैसा लगा करके गा रहे हैं, हम लोग पैसा लगा करके नहीं गाते हैं। मेरा जो बिजनेस है वो हम कमाएंगे। और दूसरी बात कि अब रही बात कि आप द्वार्थी गाना जो पूछ लिए ना, कैसे बताएं कैसे समझाएं, सुना दूं? बिल्कुल सुनाइए। कैसे बताएं कैसे समझाएं कैसे हम बताएं हो, अहिक भर घर हूँ का तारी लैला, आऊखी में मजनू लुकाई लहो। तो और सवाल है जी, अभी जो भी लोग भोजपुरी देखते हैं, भोजपुरी सुनते हैं जी, आने वाले समय में आप लोग भोजपुरी में अश्लीलता खत्म करने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक एक बात कहब हम। कहल बा रेशम के नूरी सुहागन के चूड़ी, वैसे शोभेला हमार भाषा भोजपुरी। रेशम के नूरी आ सुहागन के चूड़ी, वैसे शोभेला भाषा भोजपुरी। न्याय गति लीन हो लगही परमीन हो, देखी तो पत्रकार जी हिंदी के मझली बहिन हो। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। लेकिन प्यासी, एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं कि आप अश्लील गीतों से आगे बढ़े हैं, लेकिन आपने अच्छे गीत भी गाए हैं। क्या आपको लगता है कि अश्लील गीत से ही आगे बढ़ सकते हैं, या अच्छा गाना गा के भी कोई हिट हो सकता है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, जितना मेरा अश्लील चला ना, लोगों ने अश्लील समझ लिया, समझ लीजिए पत्रकार जी हैं आप, लोगों ने अश्लील समझ लिया। लेकिन जो देवी गीत, निर्गुण और भजन राधे श्याम रसिया का बिक गया, कोई बिहार के अंदर में किसी को नहीं बिका। वो मैं एक पीस हूँ, अभी भी चैलेंज ठोकर दे रहा हूँ। आप लोग पत्रकार हैं, आप डाल दीजिए, देख लीजिए कोई चैलेंज ठोक ले राधे श्याम रसिया से, मैं मुंह पे एकदम जवाब दे दूंगा। कुछ दूसरी से सुनिए, ये सखी सैया जो रतिया के महल है, मेरा सबसे पहला वही कैसेट था, लेकिन क्या मोह रहा था। आप पत्रकार हैं, मुझे बताइएगा। हम लोग को नहीं जानकारी, आप दर्शकों को बताइए। जो भी आपके दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो आपको फिर से पुराने अंदाज में अगर देखना चाहें, उस तरह से प्रोग्राम कराना चाहें और उसी अंदाज में गाने सुनना चाहें, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए भैया, मैं आज के भी डेट में, जब भी हमारे चाहने वाला अगर आज के डेट में कोई है तो बड़े बुजुर्ग हैं, और दूसरा चाहने वाला मैंने कम उम्र के हैं। मैं आज भी तन मन धन, लोग बोलता है, लेकिन तन और मन से मैं जा सकता हूँ, लेकिन धन से नहीं जा सकता हूँ। मतलब आपको पैसों से कोई नहीं खरीद सकता? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राधे श्याम रसिया जी, जो गोपालगंज से निकल के सुपरस्टार बने थे और टी सीरीज और वीनस में एक दमदार अपना जगह बनाया था और बहुत ही बेहतरीन गोपालगंज को रिप्रेजेंट भी किया था। कई सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं इन पे, इन्होंने उस इल्ज़ाम को खारिज भी किया और फिल्मों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। फिर से ये वापसी करने के लिए तैयार हैं। जो भी दर्शक, जो भी चाहने वाले इन्हें फिर से पुराने अंदाज में देखना चाहते हैं, वो इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। राधे श्याम जी, आप सबके लिए फिर से तैयार हैं। नमस्कार।